सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्नल ऐप में ऑटोमेटिकली मैसेजेस को या कन्वर्सेशन को कैसे डिलीट करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिग्नल ऐप ओपन करना है। सिग्नल ऐप ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट पर प्रेस करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कीप मैसेजेस, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाला है फॉरएवर है, 1 ईयर है, 6 मंथ है, 30 डेज है। आप जो चाहें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 6 मंथ लीजिए। अगर आप 6 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो 6 मंथ तक आपके मैसेज रहेंगे, आफ्टर 6 मंथ आपके मैसेजेस डिलीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो 1 ईयर तक आपके मैसेज रहेंगे, उसके बाद डिलीट हो जाएंगे। अगर आप 30 डेज रखते हैं तो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली सभी मैसेज डिलीट हो जाएंगे। अगर आप फॉरएवर सेलेक्ट करेंगे तो आपके मैसेजेस कभी डिलीट नहीं होंगे। तो आप इस तरह से सिग्नल ऐप में मैसेजेस को ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्सिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।